आसनसोल दुर्गा पूजा परिक्रमा में आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है, हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों फिलहाल आज मैं आ चुका हूँ आसनसोल, और आसनसोल में हर जगह जो है पंडाल का ओपनिंग हो चुका है लगभग। तो चलो देर की इस बात की है यार, मैं आप लोगों को सभी जगह घूम के दिखाने वाला हूँ आसनसोल के हर एक पंडाल को। तो देर नहीं करते हुए फटाफट से चलते हैं और सीधा एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को लेकर के आ चुका हूँ आसनसोल अबकार गार्डन, और अबकार गार्डन पंडाल का नज़ारा बाहर से कुछ इस तरीके का है। एक्सटीरियर जो है वो एक्सट्रीम लेवल का है। तो चलो अंदर लेकर के चलते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को। सीलिंग एरिया को पूरा का पूरा कपड़ा से डेकोरेट किया गया है और बहुत ही सुंदर लग रहा है। सामने की ओर जो है वो व्हाइट कपड़ा से डेकोरेट किया गया है और पीछे की ओर जो है रेड कपड़ा से। और इस पंडाल को नज़र रखते हुए, यहाँ का डेकोरेशन को नज़र रखते हुए, यहाँ का दुर्गा माँ को भी डेकोरेट किया गया है, जो कि बहुत बड़ा भी नहीं है, बहुत छोटा भी नहीं है, जो है जितना है बोल सकते हो सही है। अभी मैं आप लोगों को आसनसोल के नेक्स्ट पंडाल पर लेकर के आ चुका हूँ, जिस जगह का नाम है आदि। जी हाँ दोस्तों, ये कल्याणपुर हाउसिंग में पड़ता है और यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से दुर्गा पूजा मनाया जा रहा है। कल्याणपुर आदि पूजा का पंडाल बाहर से कुछ इस तरीके का दिख रहा है और ये भी काफ़ी सुंदर सा है। आप देख सकते हो बहुत सारे जगहों पे लोहा के बहुत सारे काम किए गए हैं, साथ ही साथ आप इन सब जगहों पे देख सकते हो नेट का सारा काम किया गया है, बहुत सारे मुखौटे लगाए गए हैं, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा जोकर टाइप में बनाया गया है, और ये पंडाल की खूबसूरती को चार चांद लगा रही है। इस पंडाल के मंडप के अंदर का डेकोरेशन भी काफ़ी कमाल का है। चारों तरफ आप देख सकते हो मुखौटे ही मुखौटे लगाए गए हैं, जो कि काफ़ी कलरफुल है। बाकी ऊपर में यहाँ पे भी आयरन के बहुत सारे काम है, लोहा के बहुत सारे काम है, और नेट के भी बहुत सारे काम है। बोल सकते हो कि यहाँ पे 50% का काम जो है वो लोहा और नेट के ही किए गए हैं। साथ ही साथ आपको बहुत सारे मुखौटे भी देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ सीलिंग एरिया पे बहुत बड़ा सा छिपकली बनाया गया है, जो कि गोल गोल घूम रहा है, और ये भी बहुत ही सुंदर सा लग रहा है दिखने में। अभी मैं आप लोगों को लेकर के आ चुका हूँ कल्याणपुर हाउसिंग के एक और पूजा मंडप पे, जिस जगह का नाम है कल्याणपुर स्कीम 2। और दोस्तों यहाँ के थीम के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ के थीम का नाम है पुतुल नाचर ईटी कोथा। और दोस्तों इसके पहले मैंने आप लोगों को दिखाया था कल्याणपुर आदि पूजा मंडप, और उसके थीम के बारे में मैंने नहीं बताया था, मैं भूल गया था। तो वहाँ का थीम का नाम है अंतरालय। ये पंडाल बाहर से बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही प्यारा सा लग रहा है, और कलर कॉम्बिनेशन जो है वो काफ़ी कमाल का है। आप देख सकते हो रेड ग्रीन ब्लू, बहुत सारे कलर जो है वो मिक्सअप है, और इसी के वजह से काफी सुंदर सा लग भी रहा है दिखने में। और मंडप के अंदर का नजारा, मंडप के अंदर का सीन आप देख सकते हो, चारों तरफ ही आपको पुतुल ही पुतुल नजर आ रहे होंगे। पहले जमाने में जो कठपुतली नाच होता था उसी पे बेस रख करके यहाँ का पंडाल जो है वो बनाया गया है, जिस वजह से आपको चारों तरफ कठपुतली कठपुतली नज़र आ रहे होंगे। बाकी ये इस पंडाल का सीलिंग एरिया है, और सीलिंग एरिया को भी काफ़ी सुंदर तरीके से जो है वो डेकोरेट किया गया है। और यहाँ इस जगह पे विराजमान है दुर्गा माँ, और दुर्गा माँ का कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे काफ़ी यूनिक है, काफ़ी अलग रखा गया है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो। कल्याणपुर हाउसिंग आऊँ और के सेक्टर का पंडाल ना दिखाऊँ, ऐसा तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। लेकिन दोस्तों एक दुख की बात यह है कि यहाँ का ओपनिंग अभी तक हुआ नहीं है। यहाँ पे बहुत ही धड़ल्ले तरीके से जो है काम वाम चल रहा है, कल इसका ओपनिंग होना है, मतलब कि 8 तारीख को इसका ओपनिंग होना है। फिर भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि किस टाइप का यहाँ पे जो है काम उभर के आ रहा है। इस पंडाल का बाहर का काम चल रहा है, और इस पंडाल के मंडप एरिया पे मैं आप लोगों को लेकर के जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, जैसे ही आप एंट्री करोगे कुछ इस टाइप के आपको वॉल देखने को मिल जाएंगे, जिसपे पेंटिंग किया हुआ है, वो भी दोनों साइड में। के सेक्टर का मेन पंडाल है यही, और इसको कुछ हवेली टाइप में बनाया गया है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो व्हाइट और ब्लू कलर में रखा गया है। अंदर में दुर्गा माँ विराज मान है। और यहाँ के थीम के बारे में अगर मैं डिस्कस करूँ तो यहाँ का थीम का नाम है चाप, मतलब कि स्ट्रेस। तो उसी को बेस रख करके यहाँ का पंडाल जो है वो बनाया जा रहा है इस बार। सो गाइज, अभी मैं आप लोगों को लेकर के आ चुका हूँ आसनसोल कोट मोड़, और यहाँ के पंडाल के थीम के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो बंगाली में इसका नाम है राजस्थानेर एक टुकड़ो। अगर मैं इसको हिंदी में कन्वर्ट करूँ तो राजस्थान का एक टुकड़ा, और यहाँ पे आप देख सकते हो पंडाल। तो चलो फटाफट से आप लोगों को सारा चीज़ जो है दिखाते हैं।
इस पंडाल के एक्सटीरियर के बारे में बात करूं तो बहुत सारे स्टैचू लगाए गए हैं, कीवी फॉर्म के काम है, नेट के काम है और यहाँ पे थर्माकोल के भी काम देखने को मिल जाएंगे और ये पूरा का पूरी राजस्थानी माहौल को, राजस्थानी समाज को दर्शाता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस पंडाल के मंडप के अंदर, और मंडप के अंदर में भी आपको जगह जगह पे जो है कीवी फॉर्म के काम देखने को मिल जाएंगे। बहुत सारे स्टैचू हैं, लाइट वगैरह तो खैर बंद कर दिया गया है लेकिन स्पॉट लाइट भी काफ़ी जगहों पर है और जब ये ओपनिंग हो जाएगा तब स्पॉट लाइट सारे जो है वो जल जाएंगे। बाकी ये आप सीलिंग एरिया देख सकते हो, सीलिंग एरिया को भी बहुत ही खूबसूरती के साथ में सजाया गया है, कीवी फॉर्म है, कलर कॉम्बिनेशन अच्छा ही है, साथ ही साथ नेट के भी बहुत सारे काम जो है वो किए गए हैं। और यहाँ इस जगह पे दुर्गा माँ विराजमान है और दुर्गा माँ के कलर कॉम्बिनेशन के बारे में बात करें तो काफी कलरफुल रखा गया है। आसनसोल कोट मोड़ के बाद मैं अभी आप लोगों को लेकर के आ चुका हूँ आसनसोल रविंद्र नगर, जो कि डॉली लॉज के पास में सिचुएटेड है और ये कोट मोड़ के बिल्कुल बगल में ही सिचुएटेड है। और यहाँ के थीम के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ का थीम का नाम है कर्नाटक का विधानसभा। कर्नाटक का विधानसभा कुछ इस टाइप का नज़र आ रहा है जो आसनसोल में दुर्गा पूजा पंडाल बना हुआ है। और लाइटिंग की बात करें तो बहुत ही सुंदर सा लाइटिंग का काम किया गया है, बहुत सारे कीवी फॉर्म के काम है, बहुत सारे थर्माकोल के काम है और इसके बारे में क्या ही कहना दोस्तों, आप यहाँ पे देख ही सकते हो बहुत सुंदर सा प्यारा सा जो है वो बनाया गया है। अगर आप इस दुर्गा पूजा पंडाल पे आते हो और जब आप इस मंडप के अंदर में आ जाओगे तो बस आपके मुँह से, आपके जुबान से एक ही बात निकलेगा और वो है वाओ। इतना सुंदर तरीके से काम किया गया ही है, आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे डिज़ाइनिंग, बहुत सारे यहाँ पे बारीकी से काम किए गए हैं जो कि फाइबर सीट है, बहुत सारे थर्माकोल है और ये जो है उसका सीलिंग एरिया है। सीलिंग एरिया की बात करें तो बहुत ही सुंदर तरीके से जो है सीलिंग एरिया को डेकोरेट किया गया है, साथ ही साथ सीलिंग एरिया पे भी बहुत सारा लाइटिंग जो है वो लगा हुआ है। चुका हूँ इस ब्लॉग के आखिरी पंडाल पे लेकर के आप लोगों को, फिलहाल अभी मैं आ चुका हूँ मेम दमुआ। वैसे तो मैं इस जगह का डेडिकेटेड वीडियो बनाता लेकिन मेरे पास टाइम कम होने की वजह से मैं इसको आसनसोल में ही इंक्लूड कर दे रहा हूँ, तो चलो फटाफट से दिखाते हैं और करते हैं एक्सप्लोर। तो ये रहा मेम दमुआ दुर्गा पूजा का पंडाल जिसको ताज होटल बनाया गया है अगर यहाँ के थीम के बारे में बात करें तो। बाकी ये बहुत बड़े ग्राउंड में बनता है जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो और लाइटिंग वगैरह जो है काफ़ी सुंदर सा यहाँ पे भी रखा गया है। इस पंडाल के मंडप के अंदर में मैं लेकर के आ चुका हूँ और मंडप के अंदर का नज़ारा कुछ इस तरीके का है। वैसे तो कुछ खास बारीकी से काम नहीं है पंडाल पे, वॉल वगैरह पे, लेकिन हाँ सीलिंग एरिया की अगर बात करें तो सीलिंग एरिया जो है वो काफ़ी लग्जरियस सा लुक जो है वो दिया गया है। बहुत सारे झूमर आप देख सकते हो लगे हुए हैं और यहाँ इस जगह पे विराजमान है दुर्गा माँ। सो गाइस, आसनसोल दुर्गा पूजा पंडाल मैंने आप लोगों को घुमा दिया। अगर आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर देना। बाकी मिलते हैं किसी नए जगह, नए पंडाल के साथ में, तब तक के लिए जय दुर्गा माँ।